बोलो तेजाजी महाराज की। राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव 2021 में आए हुए सभी मोतियों से भी महंगे हमारे दूर दूर से आए हुए पधारे हुए महिलाएं, माताएं, बहनें और भाई, आज हम यहाँ तेजाजी की भूमि में बैठे हैं। ये हम सब का बहुत बहुत सौभाग्य है कि इस क्षेत्र में हमारा जन्म हुआ है और सांवत्सर धाम में हम यहाँ कथा हमने यहाँ सुनी है। जो बात भाई जी अभी कह रहे थे कि हमें यहाँ तेजाजी का मंदिर बनाना है, मैं उसमें एक बात और जोड़ना चाहती हूँ, वो है कि हम शिक्षा का मंदिर बनाएं और स्पेशली जो बालिका शिक्षा है, शिक्षा में पूरा ही जो किशनगढ़ अराई ये पूरा क्षेत्र है बहुत पिछड़ा हुआ है और इसमें आप सहयोग दें। सुरसुरा में अपने जो धर्मशाला है उसको किस तरह से छात्रावास के रूप में चला सकें, एक तो ये, इसमें आप सबके अमूल्य योगदान चाहेंगे और आप अपने अपने सुझाव दें कि किस तरह से शिक्षा में और स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे जो महिलाओं की शिक्षा हम उन्हें वंचित कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए उस बच्ची को नहीं पढ़ने देते हैं क्योंकि वो एक लड़की है, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। तो आप अपनी बच्ची को और बच्चे को बराबर पढ़ने का मौका देंगे, ये प्रण आप इस धाम से आप उठ के जाएँ तो ये प्रण लेके जाएँ, ये मेरा आपसे आग्रह है। दूसरी बात जिस पे करना चाहिए कि समाज को पीछे ले जाने वाली जो चीज़ है वह है नशा। नशा का दुष्प्रभाव किस तरह से इस क्षेत्र में हो रहा है ये आपसे छुपा हुआ नहीं है, तो नशे का हम त्याग करें, शिक्षा को हम अपनाएं, इसके प्रयास आप करें और इस जो शिक्षा के लिए जो दान देना है, आप चाहे 1 रुपये दें, 11 रुपये दें, 101 रुपये दें, पर ये दान हर घर से लें और सुरसरा में हम एक शिक्षा का एक पूरा केंद्र स्थापित करें, ये मेरा आप सबसे आग्रह है। शिक्षा यदि हम अपना लें और नशे को छोड़ दें तो अब जो दो कुरीति हमें और घेरे हुए है, एक तो है बाल विवाह। आप कितना ही कह लें हमें पता है कि हम 18 के होने देते हैं क्या अपनी बच्ची को, या 21 तक इंतजार करते हैं क्या बच्चे के लिए, या जू ही आखा तीज आई और अपन ने ब्याह मान दिया। तो ये जो कुरीति है इसको छोड़ने के लिए सभी समाज के बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, इसका प्रण लें और इसको छोड़ने का प्रयास करें। दूसरा जो सबसे बड़ी कुरीति हमारे है वो है मृत्यु भोज। तो मौसर में हम चाहे 3 लाख लगाएं, 5 लाख लगाएं, 11 लाख लगाएं, वो एक जो होड़ सी है ना कि इसने इतने का खाना किया तो मैं इससे बड़ा मृत्यु भोज करूं, मृत्यु भोज गिद्ध भोज है। आप देख लें कोई पशु मरता है तो उसका जो भी उसके साथ में बाड़े में है वो खाना नहीं खाता, पर इंसान एक ऐसा जानवर हो चुका है कि मृत्यु होने पे भी वो खीर पूड़ी खाने के लिए हम पहुंच जाते हैं। तो ये जो कुरीति है इसको हम त्यागें और मृत्यु भोज, नशा, बाल विवाह, इन तीनों को छोड़ें ताकि पूरे जो क्षेत्र है वो उसका विकास हर फील्ड में हो सके। दूसरा जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि लोक देवता की कोई जाति नहीं होती है। लोक देवता को अब हमने ये जो जाति की संकीर्ण सोच है इसमें बांध दिया है। आप देखें कि चाहे वो रामदेव जी हो, चाहे तेजा बाबा हो, चाहे देवनारायण भगवान हो, सभी समाज सभी जातियां इसको मानते थे, पर धीरे धीरे सभी एक वर्गीकरण और जातिवाद का जहर बढ़ता जा रहा है, इससे हम बाहर आए हैं। आप ये देखें कि पनेर में जो रास्ता है पेमल माता के मंदिर का, उसका बीड़ा किसने उठा रखा था? घीसू जी मेघवाल जो हमारे खरनाल के हैं, क्योंकि मैं भी कोई बहुत दूर से नहीं हूँ, मेरा भी जो गांव है वो खजवाना यहीं बूंडवा नागौर में है और चूंकि हम इसी क्षेत्र से आते हैं जहाँ तेजा बाबा का बड़ा महात्म्य है और आप तो एक तपोभूमि में बैठे हैं, तो ये जो बीड़ा उन्होंने मेघवाल साहब ने उठाया कि रास्ता बनना चाहिए। तो ये सर्व समाज को साथ लेके जब तक हम नहीं चलेंगे और छोटे छोटे जातियों में बढ़ते जाएंगे उतना ही नुकसान सभी किसानों का, सभी गांव वालों का होगा। तो इससे हम ऊपर उठें और नशे को छोड़ें, कुरीतियों को छोड़ें और शिक्षा को और स्पेशली बालिका शिक्षा को हम अपनाएं, ऐसा मेरा आग्रह है और यही दान आप करके जाएं तो मेरे पे बहुत बहुत मेहरबानी होगी।
इन सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और अंत में हम सब मिलकर तेजा जी का जयकारा करें। बोलो तेजा जी महाराज की।